हाय प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीरेंद्र एकेडमी। आज प्यारे बच्चों हम लोग सीखेंगे वज्र गुणनखंड विधि द्वारा सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं वज्र गुणनखंड विधि द्वारा सवाल को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, समीकरण पहला क्या है हमारा, 2x+3y-11=0, 2x-y+1=0। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसे x y और यहाँ से 1 लिख लेंगे। अब यहां से क्या होगा, सबसे पहले y के गुणांक को लिख देंगे, ऐसे 3 -1 हो जाएगा। फिर यहां पर क्या होगा, -11 और क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर ये x का गुणांक क्या है हमारा, 2 है और यहां से भी 2 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, ये इतना हो जाने के बाद में फिर यही y के गुणांक को यहां पर लिख देंगे, तो y का गुणांक क्या हो जाएगा, यानी 3 -1 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिखा, सबसे पहले इस पार्ट को लिखा, फिर इस पार्ट को लिखा, फिर इस पार्ट को लिखा और फिर इस पार्ट को लिख दिया। अब यहां से ध्यान देंगे, यक्ष क्या हो जाएगा, एक्स अपान क्या हो जाएगा, यहां से 1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई यहां करेंगे और इसका मल्टीप्लाई यहां करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 3 1 3 हो जाएगा। और यहां से -1 और -1 का मल्टीप्लाई जब -11 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, +11 आ जाएगा, यहाँ माइनस पहले से होगा, इक्वल टू। फिर यहां से वाई हो जाएगा, वाई अपान क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे इसका मल्टीप्लाई यहां करेंगे और इसका मल्टीप्लाई यहां करेंगे, तो ये हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2 माइनस, यानी 2 का -11 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -22 हो जाएगा। यहां से क्या हो जाएगा, 2 1 2 यानी -2 हो जाएगा। फिर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 1 अपान। अब क्या होगा, ध्यान देंगे इसका मल्टीप्लाई यहां करेंगे और इसका मल्टीप्लाई यहां करेंगे, तो यहां से -2 1 2 हो जाएगा, -2 आ जाएगा, माइनस पहले से होगा फार्मूले में, तो 2 3 6 यानी यहां से हमारा 6 आ गया। अब देखेंगे यहां से क्या हो गया हमारा, x अपान क्या हो गया, 3 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा, -8 बच गया, इक्वल टू। यहाँ y अपान क्या हो जाएगा, -22 और -2 जोड़ देंगे तो -24 हो जाएगा, इक्वल टू 1 अपान, यहां से कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। आप इसको लिख पाएंगे, ध्यान देंगे लिख क्या पाएंगे, हम लोग लिख पाएंगे x अपान -8 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपान -8 हो जाएगा। तो ये -8 और ये -8 कट जाएगा, यानी x इक्वल टू हमारा क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, x इक्वल टू क्या बच जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहां से हम फिर लिखेंगे y अपान क्या हो जाएगा, -24 और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपान 8 हो जाएगा। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, -8 है तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 8 करना 8 और 8 3 24 हो जाएगा, और 3 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अर्थात वज्र गुणन विधि द्वारा हम लोग x और y की वैल्यू प्राप्त कर पाए। अब एक मेथड और हम लोग देखेंगे, कोई भी समीकरण आपको ऐसे रैखिक समीकरण दिया रहे, हम लोग उसका एक्स वाई की वैल्यू बहुत ही आसानी से निकालेंगे। तो ध्यान देंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा, अगर एक्स वाई की वैल्यू हमको निकालनी रहे तो यहां से सबसे पहले अगर हम लोग लिखेंगे एक्स, क्या लिखेंगे, एक्स से लिख देंगे। अब जब हम लोग एक्स लिखेंगे तो यहां से यह हो जाएगा हमारा, यानी इसका मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो यह अपान में हो जाएगा हमारा, तो अपान में क्या हो जाएगा, -2 1 2 हो जाएगा, मतलब इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, 2 1 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, -2 3 6 हो जाएगा, ये हो गया। ऐसे हमारा वाई, वाई में भी सेम यही होगा, -2 और -6, इसमें कुछ नहीं कर रहे। अब यहां से हम लोग ध्यान देंगे, आप सबसे पहले जब हम लोग x का लिखेंगे तो x वाले टर्म को छोड़ देंगे, y वाले टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 का मल्टीप्लाई कहां करेंगे, 3 में करेंगे। और फिर यहां से -1 का, यहां पर कुछ नहीं मौजूद है तो क्या होगा, -1 -1 का मल्टीप्लाई -11 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, +11 होगा, और यहां पर माइनस पहले से होगा, अर्थात -11 हो जाएगा। फिर यहां से वाई का क्या होगा, अब वाई का यहां पर -11 है, -11 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, -22 हो जाएगा। और फिर इसके बाद में यहां पर हमारा आ गया माइनस, अब इस 2 का मल्टीप्लाई कहां करेंगे, 1 में करेंगे तो -2 हो जाएगा। अब यहां से ध्यान देंगे,
थ्री में से इलेवन घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस का एट आ जाएगा, और अपन इसको माइनस टू और माइनस सिक्स जोड़ेंगे तो माइनस एट हो जाएगा, इक्वल टू आ गया हमारा वन। यहां से क्या हो जाएगा, माइनस 22 और माइनस टू जोड़ देंगे तो माइनस का 24 हो जाएगा, और अपन यहां से भी माइनस का 8 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, आठ तीन क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। यह भी हम लोग बहुत ही आसानी से एक्स और वाई